सच तो तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है और कल रात से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन पिछले 5-6 साल से वाल्धुनी नदी की सफाई थोड़ी अच्छे से हो रही है। डिप उसको क्लीन किया जा रहा है, अंदर के मिट्टी निकल के बाहर डाली जा रही है, उठाई जा रही है। इस कारण कई इलाकों में पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम अशोकनगर, रेणुका सोसाइटी, अशोक सोसाइटी, वरलगांव, ये बेल्ट से अभी आए हैं तो कुछ कुछ जगहों पर पानी भरना शुरू हुआ है। इसका कारण आप देख सकते हैं, ये जो पुल बना है, ये पुल का ये जो पानी यहाँ से रुक रहा है, ये पानी रुक रहा है उसके वजह से पीछे उसका बहाव और उधर पानी वाटर लॉगिंग चालू हो गया है। ये संजय गांधी नगर को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से जो पानी यहाँ इस तरफ आ रहा है, ये पानी यहाँ पर घुस रहा है। तो हमने पहले भी आगाह किया था कि ये जो पुल का जो डायग्राम है ये पूरी तरह से गलत है। मतलब जिन्होंने भी ये बनाया है, क्या उन्हें इस चीज़ का संज्ञान नहीं था कि ये नदी इतनी बड़ी है? ये नदी बड़ी होने के कारण जितनी नदी का पात्र है उतने वहाँ पर गाले होनी चाहिए थी और पानी जाने के लिए जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन छोड़ी नहीं, केवल वहाँ पर 4 गाले कुछ बनाए हुए हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम आगे 1 से 2 गाले और बढ़ाए जाए ताकि जितना भी पानी का बहाव है वो पुल के अंदर से निकल जाए और कहीं भी पानी का टकराव ना हो और पानी रिवर्स ना हो। अब ये रिवर्स के कारण संजय गांधी नगर और कई इलाकों में पानी जमा होना शुरू हुआ है। मैं प्रशासन से फिर निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसका दौरा कराइए, क्योंकि कोई कंसल्टेंट कंपनी है पुणे वाली जो अभी तक आई नहीं है, उसका विजिट हुआ नहीं है, विजिट हुआ नहीं तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग, उसका डायग्राम अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका जो भी काम है वो कराइए और ये जो पानी इसके वजह से जो भर रहा है लोगों को उससे सुविधा दिलाइए। मेरा नाम है अजीत शेख, मैं संजय गांधी नगर में रहता हूँ। और क्या बोलते हैं, समस्या ये है सर, ये ब्रिज जो बना हुआ है तो कुछ दिक्कत आ गई है, तो पानी का बहाव पूरा इसी तरफ है और घर से टच होकर पानी आज जा चुका है, तो आगे समस्या नहीं आए। इसलिए हमने अपने नगर सेवक साहब से ये अपील की है कि इसका कुछ हल किया जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।